एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो धनखड़ है वो कैसे पैसा इसमें खाए, इसके लिए इस किस्म के आयोजन करता है। मैंने विधानसभा में खुले रूप से इस बात को लेकर के इन पे आरोप लगाए थे कि इनके डिपार्टमेंट वाइज अगर इंक्वायरी करा ली जाए तो सारे के सारे मंत्री जो है भ्रष्टाचार में फंस करके खड़े हो जाएं। ये तो जो टेंट लगाएंगे वहां पे उनके टेंडर भी नहीं करते, ये तो बिना टेंडर के काम देते हैं। आपने देखा नहीं कैसे दवाइयों का मामला सामने आया था। हमने इसके धनखड़ के भी जितने अब तक समिट इसने किए हैं उन सब की भी आरटीआई से जांच मांग रखी है, हमने सारा मांग रखा है। हम इसका भी एक बड़ा खुलासा जल्दी करेंगे कि किस तरह से इसने भी इस एग्रीकल्चर ये तो इससे ज़्यादा बेवदापन और क्या हो सकता है। कभी पशुओं की कैटवाक हुआ करती है क्या, कोई फैशन शो कर रहे हैं क्या, ये इस नाम पे भी कहीं ना कहीं पैसा खा रहे हैं। मतलब कोई हथकंडा इन्होंने ऐसा छोड़ा नहीं जिसके माध्यम से पैसा खाया जाए। ये तो गीता के नाम पे खा गए, सरस्वती के नाम पे खा गए, हैपनिंग हरियाणा के नाम पे खा गए, इसके साथ साथ गोल्डन जुबली के नाम पे खा गए, एग्रीकल्चर समिट के नाम पे खा गए, पशुओं के मेले लगा के उस पर खा गए। इनकी इनकी कहानी तो बताऊं कैसी है। एक कोई इन जैसा था जो गांव के अंदर आवाज लगा करके ये चक्किया नहीं टांसते आटा पीसने वाले जो घर घर में होती है चक्की जो चक्की कह लो राणा जिसको टांचना होता है, वो एक चक्की टांचने वाला आवाज लगा रहा था गांव में। एक बुढ़िया ने उसको कहा कि रमलू मेरी चक्की टांच देखे, और वो रमलू जो है चक्की के पाट खोल के बैठ गया। बुढ़िया बोली मैं पानी लिया हूं तू तब तक ये काम कर दे। वो था अनजान इनकी तरह, जैसे इनके सूत बैठी इस तरह उसके भी हाथ में किसी ने हथौड़ा वो दे दी छिड़ी लेकर तू कर दे वो काम। उसने जैसे मारा पाट के दो पाट हो गए, उसने देखा बुढ़िया मारेगी दो पार्ट हुए तो उछला उछला तो ऊपर मक्खन की कोई हंडी लटका रखी थी घी पड़ा था उसके सिर लगे वह फूट गई, वह फूट की घी गिर गया उसमें पैर फिसला जो भांडे बर्तन पड़े थे वो और गिरा दिए सारे, वो सारे गिरा दिए। इतने बुढ़िया गाने का टाइम हो गया, बुढ़िया भी आ गई सामने से। बुढ़िया को आते देख कर भाग्या जोर से, आधा बुढ़िया मिल गया आधा चौखट मिल गया, चौखट भी टूट गई, बुढ़िया का घड़ा भी फूट गया। बुढ़िया बोले रमलू तने कड़े रहूं, बोले भीतर बढ़ती जा रोती जा। तो इस सरकार का तो ये हाल है, इसको कहाँ कहाँ हम रोए कहाँ कहाँ इस सरकार की कमियां खामियां उजागर करें। ये तो भ्रष्टाचार के गर्त में डूबे हुए लोग हैं, इनकी तो इंक्वायरी अगर करवा ली जाए तो सारे के सारे पकड़े जाए, कोई नहीं बचे। ये सारे रमलू हैं। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।